प्रधानमंत्री मोदी आखिरे लुह राज्यसभा भावविहूल हो पड़े प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। कांग्रेस वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद राज्यसभा कार्यकाल शेष होनिजन सदस्य भी सरुची कार्यकाल। आज राज्यसभा विदायकालीन अभिभाषण बेले गुलाम नबी आजाद विषय कह संभा पारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रधानमंत्री कही क्षमता आसब ओ जीव तेब यह केमी उपयोग ता गुलाम नबी आजाद पाखु शिखा दरकार। से जड़े भल बंधु बोली कहवा बेले कह संभा पारि नथिले मोदी तांको आखिरु झरी आसी लुहर धार। बेस किछि समय राज्यसभा प्रधानमंत्री कंठरोध हो जाता। प्रधानमंत्री कही जो काश्मीर आतंकवादी हमला बेले कांदि पकाइथिले गुलाम नबी आजाद तांकर एभली किछि स्वभाव और कार्यपाई से क्षमता और राजनीति बहु उपरे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आहुरी कहते गुलाम नबी आजाद केवल कांग्रेस काम करून से देश और गृह कथा भी चिंता करूँ स्थान में जी आसबे काम करवा मुस्किल हो सबुबले परामर्श ग्रहण करे प्रधानमंत्री मोदी कहते। आसंता 15 तारीख में राज्यसभा सदस्य भाव गुलामी नबी आजाद कार्यकाल शेष हो। उनकी सौम्यता उनकी नम्रता इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा ये हमारा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले इन चार माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं आपके विचार आपके सुझाव क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है ये अनुभव बहुत काम आता है मुझे मिलता रहेगा ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा आपको मैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़।